हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट टेस्ट वन, विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के जो तीन चैप्टर्स आने वाले हैं आपके टर्म टू के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, उनके सवालों पे हम देखेंगे। पार्ट टेस्ट वन होगा ये। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन में उड़ने की आशा, आसमानों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। शुरू करने से पहले बस एक चीज कहना चाहूंगा बच्चों, कि बड़े सपने जरूर देखो, आशाएं बड़ी बड़ी जरूर रखो, और उसके पीछे बहुत सारी मेहनत करना, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग ये चीज जानते हो, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। तो केयरफुली सारे टूल्स को, सारे रिसोर्सेस को यूज करो, अपना बेस्ट पोटेंशियल निकाल के बाहर लेके आओ, और 12th के एग्जाम्स को फोड़ो। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स बिगिन पार्ट टेस्ट वन। क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पार्ट टेस्ट वन है ये बच्चों, टर्म टू के एग्जाम के लिए। बट इस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट में हम लोग सिर्फ कैलकुलस के तीन चैप्टर्स करने वाले हैं। चैप्टर 7 जो इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों। चैप्टर 8 जिसमें AOI है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मेजरली एरिया के सवाल। और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलिए बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं टर्म टू कैलकुलस का पार्ट टेस्ट वन। और ये रहा सेक्शन ए आपके सामने, जिसमें 2 मार्क के सवाल आएंगे। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, इंटीग्रल ऑफ sin 3x cos 5x dx। इस पर्टिकुलर चीज को हमें इंटीग्रेट करना है, राइट। शुरू करने से पहले हमें ये सोचना है कि क्या ये जो चीज यहाँ पे दी हुई है, sin 3x इंटू cos 5x, इसका इंटीग्रल क्या हमें पता है? तो अगर आप सोचोगे तो यार साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, विच इज माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, विच इज साइन एक्स। बट sin 3x इंटू cos 5x, जहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे मल्टीप्लाइड हो, उसका हमें आउटपुट नहीं पता है, उसका इंटीग्रल का आउटपुट हमें नहीं पता है। पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता है, विच इज कॉल्ड द डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कुछ ऐसे जाता है बच्चों, sin A cos B, राइट। sin A cos B इज इक्वल टू हाफ टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट। तो ये फॉर्मूला बच्चों, ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला और डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। कुल मिला के 8 फॉर्मूले हैं, जिसमें से ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो एग्जाम में लिखते समय हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे सोल्यूशन में, दैट सिंस साइन ए कॉस बी इक्वल टू हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देयर फोर sin 3x इंटू cos 5x इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी। सो साइन ऑफ 3x प्लस 5x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, सो 3x माइनस 5x, करेक्ट। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, हमें मिलेगा हाफ ऑफ sin 8x, और यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमें मिलेगा sin of -2x। अब sin of -θ बच्चों -sin θ होता है, जिस वजह से ये टर्म बन जाएगा -sin 2x, राइट। तो अभी हमें sin 3x इंटू cos 5x का एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ चुका है, राइट। सो देयरफॉर sin 3x इंटू cos 5x इक्वल टू हाफ टाइम्स sin 8x माइनस हाफ टाइम्स sin 2x एक्सपांड करने के बाद। और इसलिए वी कैन राइट देयरफॉर आई द इंटीग्रल विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos 5x dx इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हाफ टाइम्स sin 8x, राइट। तो ये हाफ को हम एक्चुअली बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि sin 3x इंटू cos 5x जो है वो हाफ टाइम sin 8x माइनस sin 2x है। तो हाफ हम बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक स्केलर मल्टीपल है, नंबर है, जिसको हम इंटीग्रल साइन के बाहर ले सकते हैं। सो हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ sin 8x माइनस sin 2x द होल dx, करेक्ट। अब ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों इंटीग्रल साइन के अंदर, वो बहुत इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, and that is why we can write this as equal to half times
साइन एट एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों आएगा माइनस कॉस एट एक्स द होल डिवाइडेड बाई एट। याद रखना जो भी यहाँ पे एक्स के साथ नंबर मल्टीप्लाइड होता है वो इंटीग्रल करने के बाद आप डिवाइड भी करते हो। सो बेसिक फॉर्मूला ये है कि यार इफ जैसे कॉस 5x अगर होता तो cos 5x का इंटीग्रेशन सिर्फ sin 5x नहीं होता, sin 5x डिवाइडेड बाय 5 होता, क्योंकि x के साथ 5 मल्टीप्लाइड है। वो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है, बट sin 8x का इंटीग्रेशन माइनस cos 8x डिवाइडेड बाय 8 होगा, क्योंकि x के साथ 8 मल्टीप्लाइड है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कई जगहों पे आपको ये चीज मिलेगी, और ऑफकोर्स आपके टर्म टू के एग्जाम्स में कई जगहों पर इस तरीके के इंटीग्रल्स आएंगे जहां पे आपको x का कोएफिशिएंट ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद माइनस ऑफ साइन 2x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 2x द होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। और जैसे हम हमेशा हर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम में प्लस सी लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो लिखना भूलना नहीं है, राइट। सो देयरफॉर वी कैन नाउ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इनटू कॉस 5x डीएक्स इज इक्वल टू, अब पहला वाला जो टर्म है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करके हम लिख सकते हैं माइनस 1/16 कॉस 8x, राइट। अब यहाँ पे माइनस इनटू माइनस प्लस हो चुका है, तो प्लस कॉस 2x द होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस द इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। तो ये बच्चों जो आखिरी में यहाँ पे आया है ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। तो अगर चाहिए तो आप डेफिनेटली उसको जो है हाईलाइट कर सकते हो, राइट, फॉर प्रेजेंटेशन पर्पजेस, राइट, हाईलाइट डेफिनेटली कर सकते हो। राइट, तो सही सही आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे बच्चों, राइट, यहाँ पे सही आंसर आप नीचे देख पा रहे हो, माइनस 1/16 कॉस 8x प्लस कॉस 2x द होल डिवाइड बाय 4 प्लस सी। यस बच्चों, सो ये 2 मार्क का सवाल, अगर इतना आप सही से लिखोगे विद द फॉर्मूला मेंशन, जिस तरीके से आपने इस चीज को सिंप्लीफाई किया है, बहुत इजीली आपको पूरे 2 नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये भी एक 2 मार्क का सवाल है जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। सो इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। इफ 3 इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल रेस टू एम, देन वॉट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, राइट। तो इस इक्वेशन को एक बार वापस से लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप अपने आंसर पेपर्स में ये चीज लिखोगे बच्चों, तब इस तरीके से आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, जस्ट टू अगेन मेक श्योर कि आप प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी नंबर मिस आउट नहीं कर रहे हो। अगर आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं तो टीचर को एक एंथुजियाज्म होना चाहिए कि यार बच्चे को सब कुछ चीज अच्छे से आती है, क्योंकि डिस्क्राइब बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो ये थॉट प्रोसेस टीचर या एग्जाम चेकर के दिमाग में लाने के लिए आपको सारी चीज अच्छे फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है। इट विल हेल्प यू और आपका फाइनल रिजल्ट जो है उसको। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वेर वाई बाई डी एक्स स्क्वेर द होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, राइट। अब क्लियरली सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि यार ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और लो पूछा नहीं है सवाल में, राइट। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, वाई, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव्स के टर्म्स देखोगे, राइट, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का टर्म है सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव का टर्म नहीं है बट यहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव है। तो अगर पूरा इक्वेशन आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखेगा। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 2, राइट। नाउ सिंस द डिग्री इज 3, ध्यान से देखिएगा बच्चों, डिग्री हमें दिया गया है 3 है, राइट, अगर डिग्री 3 है सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी 3, राइट। नाउ सिंस द डिग्री ऑफ द डीई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर द हाईएस्ट पावर
या ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टर्म्स शुड बी 3, राइट, एंड इट ऑल्सो कांट बी नेगेटिव, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर में ये जो m है, या जो भी डेरिवेटिव के टर्म्स में पावर में जो भी वैल्यूज हैं, वो डेफिनेटली पॉजिटिव या फिर जीरो इंटीजर्स होने चाहिए। ये रूल हमने पढ़ा है, तभी जाके डिग्री डिफाइंड होता है, राइट। ऑल्सो इट कांट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल, ठीक है। सो इट ओनली कैन बी होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से। अब यहां पे ये कंडीशन दी गई है कि यार शुड बी 3, हाईएस्ट पावर शुड बी 3, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस इक्वेशन को फिर से देखोगे, तो इस टर्म के वजह से डिग्री 3 ऑलरेडी डिफाइंड है ना, डिग्री तो 3 आएगा ही आएगा। अब हम इस m की बात करते हैं, ये m का वैल्यू अगर 0 होता तो 2 टाइम्स d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल रेस टू 0, इट्स जस्ट 2, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है तो फिर भी ये पूरा का पूरा इक्वेशन पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड एट द सेम टाइम हाईएस्ट पावर जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो भी 3 है, राइट। तो यहाँ पे डिग्री 3 बन रहा है अगर ये m 0 है तो m 0 हो सकता है। साइमल्टेनियसली अगर आप सोचोगे क्या m 1 हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे m 1 हुआ, राइट, तो डिग्री तो फिर भी 3 हुई, क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर तो 3 है, राइट। तो ये 1 हुआ तो हाईएस्ट पावर तो फिर भी 3 है बेटा, है ना, तो डिग्री तो फिर भी 3 हुई, तो ये 1 हो सकता है, है ना। तो ये 1 पॉसिबल है, साथ ही साथ 2 भी पॉसिबल है, क्योंकि सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करता है, राइट। 3 भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 हुआ तो ये दोनों टर्म्स सेकंड डेरिवेटिव और उन दोनों टर्म्स के हाईएस्ट पावर्स 3 हैं, विच इज टोटली एक्सेप्टेबल। पर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे m की वैल्यू 4 हो गई, राइट, तो डिग्री जो है वो 4 हो जाएगा, विच इज नॉट द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस इन द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम में दिया गया है कि डिग्री जो है वो 3 ही है, तो m 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m 4 हो गया तो फिर डिग्री 4 हो जाएगा, विच विल बी इनकरेक्ट, एंड हेंस द ओनली पॉसिबल वैल्यूज दैट m कैन टेक इज 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज जो है पॉसिबल वैल्यूज हैं फॉर m, और इतना लिखने से आपको बहुत इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं बच्चों। ये है अगला सवाल, जो सेकंड क्वेश्चन का ही पार्ट है, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों आपको जहां पे चॉइस दी जाएगी, बट यहां पे मैं दोनों सवाल करके दिखाऊंगा आपको, राइट। तो ये सेकंड क्वेश्चन का ही दूसरा चॉइस है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - x² (dy/dx) + xy = ax² (x = -1, राइट। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, is 1 - x² (dy/dx) + y (x), right, = ax। अगर आप नोटिस करोगे बच्चों, तो यहां पे मैं स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और वो करने के लिए हमें 1 - x² से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो डिवाइडिंग बाय, although ये लाइन अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्क का सवाल है, आप डेफिनेटली बिना ये लाइन लिखे भी डिवाइड कर सकते हो, राइट। बट जैसा मैंने कहा था, अगर आप फुल मार्क्स टारगेट कर रहे हो बच्चों, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट ऑल द टाइनी की स्टेप्स दैट यू आर इन्वॉल्विंग इन योर सॉल्यूशन। सो डिवाइडिंग 1 - x² ऑन बोथ द साइड्स, देयरफॉर हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा dy/dx प्लस y टाइम्स x अपॉन 1 - x² = ax, राइट। नाउ कंपेयरिंग विथ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ LDE, विच इज dy/dx प्लस y टाइम्स p(x), और ये p(x) वो फंक्शन होता है बच्चों जो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देता है, इक्वल टू q(x), ठीक है। यहाँ पे q(x) में मैंने राइट हैंड साइड में डिवाइड नहीं किया है,
वन माइनस एक्स स्क्वायर से, ऑल्दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा बट यस इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है, राइट। सो कंपेयर करने के बाद हमें क्लियरली दिख रहा है कि पी ऑफ एक्स क्या है, राइट। सो वी गेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। देयरफोर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, और आई एफ विच इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाने के लिए। तो फटाफट इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, राइट। सो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, राइट। इनफैक्ट अगर हम वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, राइट। सो वी विल राइट इट हियर, सब्स्टिट्यूटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी डालेंगे बच्चों और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें मिलेगा माइनस टू एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एंड देयरफॉर एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई टू। अब हम एक्स डी एक्स आइसोलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स डी एक्स है बच्चों, राइट। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ये बन जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, के जगह हम लिखेंगे माइनस डी टी बाई टू, तो वो माइनस हाफ को मैं बाहर लिख रहा हूँ अभी के लिए, और सिर्फ डी टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में टी आएगा क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर चुके हैं एज टी, राइट। सो इस इंटीग्रेशन को ई रेस टू जो इंटीग्रल चीज है उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स बच्चों लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे ये लॉग ऑफ टी हो जाएगा, या लॉग ऑफ टी हो जाएगा, और उसको जब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा e रेस टू, राइट, ये माइनस हाफ अब हम ऊपर ले जा सकते हैं पावर में, राइट। सो लॉग t के जगह पहले हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और रेस टू माइनस हाफ करेंगे, और यहाँ पे बच्चों हम एक लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे, राइट, विच इज यूजिंग यूजिंग ए रेस टू लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू m, या ये यूज करके हमें आई एफ मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों ई रेस टू लॉग ऑफ, यहाँ बेस मेंशन नहीं किया तो ये ई है, सो ई रेस टू लॉग ऑफ दिस टू द बेस ई इज सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेस टू माइनस हाफ, जिसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो एज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये बच्चों आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, और जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो तब आप प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं लिखते हो, राइट। तो ये आपका आंसर रहेगा, बॉक्स करके आप फाइनली आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन, राइट। सो आई होप सबको क्लियर है किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एलडीई के फॉर्म में लाना है, और उसके बाद पी ऑफ एक्स को टारगेट करके ई रेस टू इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, 2 मार्क का सवाल, राइट। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी द की इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो ये बच्चों चैप्टर 7 में हमने एक स्पेशल रूल पढ़ा था कि ई रेस टू एक्स के ब्रैकेट में अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर इस टाइप का अगर आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। एक बार ध्यान से देखिए, अगर ई रेस टू एक्स है यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, हमें अभी तक ये नहीं पता है कि या ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में है या नहीं, अगर है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है वो फिगर आउट करना है, एफ डैश एक्स क्या है वो फिगर आउट करना है, और फिर आंसर लिखना है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, दैट इज इट, राइट। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जा सकता है, राइट। सो आई इज इक्वल टू, या जो इंटीग्रेशन पूछा गया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। मैंने बस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया है, राइट, डीएक्स, या Hence, we can clearly see, अगर आप सोचे बच्चों, तो 1 अपॉन एक्स को यदि मैं एफ ऑफ एक्स लेता हूं, ओरिजिनल फंक्शन लेता हूं, राइट, तो इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
जो है वो -1/x² आएगा, जो कि एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है अगर आप देखोगे तो, ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश एक्स। देयरफॉर इस वजह से हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू नथिंग बट ई रेस टू एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स। सो ई रेस टू एक्स टाइम्स 1/x प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। सो रिलेटिवली जैसे आपने देखा ये कम स्टेप्स वाला क्वेश्चन है, बट अगर आपको ओरिजिनल फॉर्मूला पता है और अगर आप अच्छा ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी, सरल और फास्ट है, राइट? तो ये आपका आंसर है बच्चों टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए ऑफ 2 मार्क्स। तो यस बच्चों, सेक्शन बी पे चलते हैं जो 3 मार्क के सवालों का है, और सेक्शन बी का पहला सवाल ये है आपके स्क्रीन के सामने। इट सेज फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1+x² dy +2xy(dx) cot(x)dx। तो एक बार इस इक्वेशन को लिख लेते हैं फटाफट। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1+x² dy +2xy(dx) इक्वल टू cot(x)dx, ठीक है? तो ये इक्वेशन देखते से ही पता चलता है कि यार dx से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि तब जाके यहाँ पे dy by dx का टर्म आएगा, ये dx और ये dx कट जाएगा। सो विद दिस थॉट प्रोसेस इन माइंड, राइट, हम लिखेंगे अगला स्टेप। आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स, तो उससे आपको ये मिलेगा 1+x² एक्चुअली आपको 1+x² भी डिवाइड करना है सो दैट आप LDE के फॉर्म में ला पाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो यहां पे आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, सोच के देखिए बच्चों किस चीज से डिवाइड करोगे, 1+x² से तो डिवाइड करोगे ताकि ये कैंसिल हो जाए, और आप dx के साथ भी डिवाइड करोगे। सो यू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 1+x² dx सो दैट 1+x² ये कैंसिल हो जाए, और जो dx है dy बाय dx का पहला टर्म दे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट, करेक्ट? सो देयरफॉर वी हैव 1+x² dy +2xy(dx) इक्वल टू cot(x)dx, ठीक है? अब यहां पे बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे 1+x² dx से, या तो इस तरीके से डिवाइड होगा, राइट? यस, और जैसे ये डिवाइड होगा बच्चों, इसका अगला स्टेप में हम इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख देंगे। देयरफॉर यहां पे 1+x² और 1+x² कैंसिल हो गया, तो पहला टर्म आया dy बाई dx प्लस, यहाँ पे अगर आप देखो dx और dx कैंसिल हो चुका है, राइट? तो यहाँ पे ये जो दूसरा टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं y टाइम्स 2x/1+x², राइट? और आखिरी में राइट हैंड साइड पे जो टर्म है dx dx कैंसिल, सो हमें मिलेगा cot(x)/1+x², करेक्ट? सो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद हमें ये देखना है कि क्या ये जो इक्वेशन है किस टाइप फॉर्मेट का है, क्या ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो सकता है, क्या ये होमोजेनियस फॉर्मेट में है, या तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा बच्चों कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx plus y times p(x) equal to q(x), ठीक है? सो कंपेयरिंग विथ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो कंपेयरिंग विथ LDE, therefore comparing with LDE we get p(x) is equal to 2x/1+x², right, and q(x) as cot(x)/1+x². yes, ध्यान से देखिए बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर आप वो लिखोगे तो और भी बढ़िया है, dy by dx plus y times p(x) equal to q(x), ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, और p(x) और q(x) आ चुके हैं, और इनको यूज करके सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे और उसके बाद सोल्यूशन पे जाएंगे, राइट? देयरफॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e raise to integration of p(x)dx। तो एक बार देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। e raise to integration of, पिछले पेज पे हमने देखा p(x) is 2x/1+x², so 2x/1+x² dx,
राइट। और यहाँ पे जैसे हमने और एक सवाल में सॉल्व किया कुछ ही देर पहले, तो यहाँ पे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे एस टी, सो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x आएगा इक्वल टू dt बाई dx, और यहां से आप 2x dx को dt लिख सकते हो। सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बन गया e raise to integration of dt upon t, जिसको बहुत सरल तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है e raise to log t, राइट। और यहाँ पे क्योंकि बेस e है, दिस विल बी सिंपली t, जिसको रीसब्स्टिट्यूट करके आप 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका, राइट। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, राइट, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो y टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर is equal to integration of integrating factor into the q of x function. So 1 plus x square into your q of x. और अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, q of x आपका cot x upon 1 plus x square है, तो यहाँ पे cot x upon 1 plus x square आएगा। और अभी आपको लगेगा कि यार अब जो है काफी आसान हो चुका है इसको सॉल्व करना, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 plus x square कैंसिल हो रहा है, और वो कैंसिल होने के बाद आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन को लिख सकते हो y into 1 plus x square on the left hand side equal to integration of cot x which is nothing but log of mod of sin x, ठीक है। और प्लस सी ना भूलिएगा, क्योंकि यार फाइनल जब आप सॉल्यूशन लिखते हो तब डेफिनेटली इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है, राइट। और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा बच्चों, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। सो यू विल राइट दिस दैट दिस इज द सॉल्यूशन to the given differential equation, right? So I hope सबको समझ में आ गया है किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। एक बार ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले इसको मॉडिफाई करना है एक प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। वहां से यहाँ पे हम वो चीज कर चुके हैं, वहां से हमने p of x क्या है ये फिगर आउट कर लिया, q of x क्या है फिगर आउट कर लिया। p of x को यूज करके हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला बच्चों, राइट, e raise to integral p of x dx, और फिर हमने LDE का सोल्यूशन अप्लाई किया y times integrating factor equal to integration of इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू ऑफ एक्स। तो ये आपका सोल्यूशन है बच्चों चौथे सवाल का, जो सेक्शन बी का पहला सवाल है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सेक्शन बी का दूसरा सवाल है, 3 मार्क का सवाल। ये भी आपका एक ऐसा सवाल है जो एक स्टैंडर्ड सवाल है, आपके टेक्सट बुक में आपको ये मिलेगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा स्मार्टली एक चीज करनी है जो हम दिखाएंगे यहाँ पे, राइट। सो लेट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos x minus a into sin of x minus b dx is equal to I, right? So therefore I is equal to, यहां पे जो स्मार्ट चीज करनी है वो ये है कि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी cos of x minus a है into sin of x minus b है, right? और यहां पे dx है, but आपको जो है cos x minus a और sin x minus b ये टर्म्स बहुत आसानी से नहीं मिलने वाले, तो वो लाने के लिए आपको cos of a minus b ये चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर और नीचे। अब क्योंकि cos a minus b इस टर्म में कोई भी x ये वेरिएबल नहीं है, तो बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, और वो एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हमने क्यों किया है बच्चों, काफी वेरिएशंस हो सकते थे, cos b minus a भी हो सकता था, sin a minus b, sin b minus a, बट ये जो वेरिएशन है ये यहाँ पे परफेक्टली फिट बैठता है, क्यों ये हम जल्दी देखेंगे, राइट। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a minus b, ठीक है, ये बाहर वाला टर्म वैसे ही रहेगा, अंदर वाला जो टर्म है ये काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। ये जो cos a minus b ये जो टर्म लिखा हुआ है ऊपर, राइट, उसको हम लिखेंगे एज cos ऑफ, ध्यान से देखना बच्चों, cos ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए। ध्यान से देखिए कि क्या ये सही है, और फिर सोचिए कि ऐसा क्यों किया हुआ है, x माइनस बी माइनस x प्लस ए, तो x माइनस x तो कैंसिल हो रहा है, राइट, और
माइनस बी प्लस ए, सो ए माइनस बी जो आपका ओरिजिनल नंबर है कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ऐसा हमने क्यों किया है इस चीज को सोचिए, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, कॉस ऑफ ए माइनस बी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उससे चीजें काफी बेहतरीन हो जाएंगी। देखते हैं एक बार किस तरीके से। आई इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी, राइट, dx, और न्यूमरेटर को जो ग्रीन में हमने लिखा हुआ है उसको एक्सपांड कीजिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करके, cos a माइनस बी या फिर cos c माइनस डी इज cos c cos d प्लस sin c sin d। तो यहाँ पे जो है cos ऑफ x माइनस बी इंटू cos ऑफ x माइनस ए आएगा, राइट, प्लस प्लस sin ऑफ x माइनस बी इंटू sin ऑफ x माइनस ए, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आएगी। अब आप जो है न्यूमरेटर को देखो और डिनोमिनेटर को देखो, अब डिवाइड करना बहुत ही हेल्पफुल होगा, सिंप्लीफाई कर देगा इंटीग्रल को और उससे आप ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट, इसको कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, बाहर का जो वन अपॉन कॉस ए माइनस बी है उसको ना भूलिएगा क्योंकि उसी ने हमें हेल्प किया है ये स्टेज पे पहुंचने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे सो cos x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, तो चाहिए तो ये पूरा चीज हम लिख सकते हैं, ऑल्दो जरूरत नहीं है, cos x माइनस बी cos x माइनस ए cos x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, बाहर dx जरूर है। अब यहां पे ये पूरा करने से अच्छा हम इसको सेपरेट आउट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं ये चीज, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब यहां पे डिवाइड कर सकते हैं बच्चों बहुत इजीली, और आपका इंटीग्रल बाहर का वन अपॉन कॉस ए माइनस बी ना भूलिएगा, राइट, बट अंदर जो है काफी बेहतरीन हो गया, अभी बहुत इजी हो गया है, राइट, इंटीग्रल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और आपको कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी मिलेगा, जिसको आप तुरंत कॉट ऑफ एक्स माइनस बी लिख सकते हो, कॉट ऑफ एक्स माइनस बी लिख सकते हो। प्लस सिमिलरली यहाँ पे आप अगर देखोगे तो साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए मिलेगा विच इज नथिंग बट टैन ऑफ एक्स माइनस ए, और इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं आपके पास, एंड हेंस इसका आंसर अभी आप तुरंत लिख सकते हो। देयरफॉर आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू, बाहर वन अपॉन कॉस ए माइनस बी रहेगा, राइट, और अंदर जो है cot का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sin, सो log ऑफ sin ऑफ x माइनस बी, राइट, log ऑफ sin ऑफ x माइनस बी, आप यहां पे मॉड डाल सकते हैं क्योंकि log के अंदर नेगेटिव नहीं होता, राइट, प्लस tan का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sec x माइनस ए, मॉड डाल दीजिएगा log ऑफ sec x माइनस ए, राइट, तो ये आपका आंसर आएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, प्लस log ऑफ mod ऑफ sec x माइनस ए, ठीक है, यस। अब यहाँ पे आप log कंबाइन भी कर सकते हो, यू कैन कंबाइन दिस एंड से दैट दिस इज log ऑफ sin x माइनस बी इंटू sec ऑफ x माइनस ए, ऐसा कर सकते हो, बट इसी भी हालत में प्लस सी लिखना ना भूले। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, यस, ये आपका फाइनल आंसर है जो टोटली एक्सेप्टेबल है, बट जैसा मैंने कहा आप यहाँ पे log को कंबाइन भी कर सकते हो और करके आपको मिलेगा log ऑफ sin x माइनस बी इंटू sec ऑफ x माइनस ए, करेक्ट, एंड हेंस दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन बच्चों, क्या। सो यस, ये 3 मार्क का सवाल, इंपॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के मेथड जो हमने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रखे हैं उनको फॉलो करना और इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 3 मार्क का सवाल, सेक्शन बी का ये 3रा सवाल है, 6वां सवाल ऑफ द पेपर, राइट, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 का सवाल है और ये क्लियरली होमोजेनियस इक्वेशंस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो पहले तो हमें प्रूव करना है कि एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है और फिर उसको सॉल्व करना है, राइट, सो इसको इस तरीके से लिखेंगे, टू प्रूव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, of the format
या ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to capital F of x comma y. To prove a differential equation of the form dy by dx equal to F of x comma y to be a homogeneous differential equation, we need to prove f of lambda x comma lambda y, मतलब आपको x के जगह lambda x डालना है और y के जगह lambda y डालना है इस राइट हैंड साइड वाले फंक्शन में, ठीक है। और ये करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये चीज lambda raise to n times capital F of x comma y आती है तब वो linear, वो differential equation एक homogeneous differential equation होगा। So ये यहाँ पे apply करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये f of x y, f of x comma y है क्या, ठीक है। Here f of x comma y is equal to, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ dy by dx equal to, right में ये पूरा function है, so dy by dx is equal to y upon x minus root of y square upon x square minus 1. तो ये आपका capital F of x comma y है। तो यहाँ से बच्चों आप बहुत आसानी से capital F of lambda x comma lambda y लिख सकते हो, ठीक है, which will be lambda y upon lambda x. ध्यान से देखिए कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ x के जगह lambda x लिखा हुआ है और y के जगह lambda y लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चीज करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आप बहुत इजीली ये देख सकते हो कि यार ये लैम्डा और ये लैम्डा तो कैंसिल हो रहा है ना, और ये लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, एंड हेंस वी कैन से दैट देयरफॉर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, विच इज एब्सोल्युटली द सेम एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो बेसिकली आपने ये प्रूव कर दिया है कि f of lambda x comma lambda y is equal to lambda raised to 0 times f of x comma y, right? And therefore we can say that the given differential equation is a homogeneous differential equation. Yeah, is a homogeneous differential equation. डिटेल में लिखिएगा आपके एग्जाम शीट में, आपको डेफिनेटली पूरे नंबर मिल जाएंगे जो अलॉटेड हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, राइट? तो अभी बच्चों हमने प्रूव कर दिया है कि ये इक्वेशन जो है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, राइट? सो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बारी आती है इस होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, राइट? तो टू सॉल्व द गिवन HDE, right, to solve the given homogeneous differential equation, right, jaisa hum almost every homogeneous differential equation mein use karte hain, y equal to vx ya fir x equal to vy, hum yahan pe y is equal to vx substitute karenge, therefore dy by dx jo hamara left hand side hai homogeneous differential equation ka will be, yahan pe product rule lagayenge, v times derivative of x, so that's v times 1 plus x times derivative of v with respect to x naturally, so x dv by dx. Therefore, the given homogeneous differential equation becomes, right? अगर आप इसको substitute करेंगे बच्चों, तो left hand side में dy by dx के जगह आप लिखोगे v plus x times dv by dx, right? और राइट हैंड साइड में लिखोगे y अपॉन x के जगह बच्चों क्या लिखोगे आप, v लिखोगे, y अपॉन x के जगह v लिखोगे, राइट? माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ पे v स्क्वायर आएगा बच्चों माइनस वन। ध्यान से देखिए y अपॉन x इज v, सो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस वन। तो अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं कि इसको कैसे सुलझाया जाए। पहली बात तो दिख रहा है कि v और v कैंसिल हो जाएगा, राइट? दिख रहा है कि v और v कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x dv by dx equal to minus root of v square minus 1, इस स्टेज पे हमें दिख रहा है कि हम वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं। तो देयरफॉर dv अपॉन रूट ऑफ v square minus 1 equal to यहाँ पे minus dx upon x, and at this stage we can integrate both the sides, right? यहाँ पे आप लिखोगे integrating both the sides, we get, right?
यहाँ पे दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे बच्चों, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है बच्चों वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए है, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ln ऑफ v प्लस रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे मॉड लगेगी। और राइट हैंड साइड पे माइनस साइन को इग्नोर मत करिएगा, माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ln x है, प्लस c आएगा यहाँ पे। और अब बारी है इस फाइनल सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करने की और रीसब्स्टिट्यूट करने की v को एज y अपॉन x, तो वो हम दोनों साइड करेंगे बच्चों, ये माइनस ln x हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा ln ऑफ v के जगह हम लिखेंगे y अपॉन x प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वन, राइट, दिस होल थिंग या लॉग ऑफ दिस प्लस ln x है, तो लॉग प्रॉपर्टी लगेगी, इनटू x आएगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, अंदर की पूरी चीज हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू e रेस टू c विच इज अनदर कांस्टेंट, राइट। सो दिस इन टर्न इसका फाइनल आंसर, ये हम यहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो कोई आपको गलत मार्क्स नहीं देगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पर ये चीज सिंप्लीफाई भी हो सकती है क्योंकि ln ऑफ x टू द बेस e, राइट, इक्वल टू c, दिस x कैन बी रिटन एज e रेस टू c। अब ये x के जगह काफी बड़ी चीज है, बट कोई बात नहीं, y अपॉन x प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वन द होल टाइम्स x, ये जो चीज है दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ln बेस e है, e रेस टू c हो जाएगा, और e रेस टू c को आप और एक कांस्टेंट लिख सकते हो k, राइट, e रेस टू c कांस्टेंट है तो इसको आप k लिख सकते हो, एंड यू कैन से दैट दिस आल्सो इज योर फाइनल इक्वेशन, द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बच्चों तीसरा सवाल सेक्शन बी का, 3 मार्क का, राइट, तो ये चौथा सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द पेपर एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, 3 मार्क्स का, तो देखिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सवाल बच्चों अगर आप देखोगे तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन इस टाइप के क्वेश्चन में राइट, हम कुछ इस तरीके से अल्गोरिदमिकली इस चीज को सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक 5x प्लस 3 लीनियर टर्म को हम लिखते हैं एज सम कांस्टेंट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, राइट, सो ए टाइम्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, प्लस बी अनदर कांस्टेंट बी, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो देयरफॉर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए टाइम्स, अब अंदर डेरिवेटिव अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ 2x प्लस 4 आ रहा है, x square का डेरिवेटिव 2x है, 4x का डेरिवेटिव 4 है, 10 का डेरिवेटिव 0 है, प्लस b, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देयरफॉर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax, राइट, प्लस 4a प्लस b, राइट। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि यार दो इक्वेशंस बन रहे हैं और वो ये है कि 2a की वैल्यू है 5, यस 5x और 2ax, तो 2a की वैल्यू है 5 और 4a प्लस बी की वैल्यू है 3, राइट, तो यहां से हमें पता चल गया कि यार a की वैल्यू है 5/2 और उस वैल्यू को अगर हम यहां प्लग करेंगे तो 4 टाइम्स 5/2 तो 20/2 विच इज 10, तो b की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है। तो बच्चों a और b की वैल्यू आ गई है जो हम यहां सब्स्टिट्यूट करके ओरिजिनल इंटीग्रल, अगर हम इसको लेट दिस इज इक्वल टू i करेंगे तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन में हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 3 के जगह पे अब हम लिख सकते हैं a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, तो a तो 5/2 है, तो 5/2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज 2x प्लस 4, राइट, अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ठीक है, प्लस b, अब b की वैल्यू हमें -7 आई है, तो -7 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, dx। तो ये चीज अब हमें इंटीग्रेट करनी है, राइट, यहाँ पे जो 5/2 है कांस्टेंट है उसको हम बहुत इजीली बाहर ले सकते हैं, राइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर i इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, अब ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे हमें प्लग इन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t, राइट,
सो पुट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू टी, तो देयर फोर टू एक्स प्लस फोर विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई टू एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स, टू एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स, अगर आप ध्यान से देखो तो टू एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स ये जो है वो डी टी बन जाएगा, फाइव बाई टू बाहर है तो ये डी टी बन जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, तो रूट ऑफ टी, राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन को हमने टी डाला हुआ था, तो ये बन गया रूट ऑफ टी इन द डिनोमिनेटर। अब इसके आगे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो माइनस सेवन है, तो उस माइनस सेवन को हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन है ना, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी टाइप से वन अपॉन क्वाड्रेटिक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू प्लस टू स्क्वायर विच इज फोर प्लस सिक्स, क्योंकि यार फोर प्लस सिक्स आपको टेन देगा। अब इस चीज को सॉल्व करने की बारी, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो पहला टर्म है वो आएगा फाइव बाई टू इंटू, अब ये जो टर्म है बच्चों वन अपॉन रूट टी इज नथिंग बट टी रेस टू माइनस हाफ, बिकॉज दिस इज वन अपॉन टी रेस टू हाफ, जो ऊपर जाके टी रेस टू माइनस हाफ बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन टी रेस टू माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन देगा। ठीक है, तो ये पहला टर्म है बच्चों माइनस सेवन। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पहले तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में आएगा रूट ऑफ, ये तीनों टर्म्स को अगर हम सेग्रीगेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि फोर इज टू स्क्वायर, तो यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, सो एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस सिक्स, सिक्स को हम रूट सिक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, रूट सिक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये चीज अब इंटीग्रेट करना हो गया है आसान। अब पहला जो टर्म है वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और रीसब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, फाइव बाई टू इंटू टी रेस टू हाफ, जिसको हम रूट टू रूट टी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में हाफ लिख सकते हैं, माइनस सेवन। अब ये जो है बच्चों यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो एल एन मॉड एक्स प्लस, सो एक्स यहाँ पे एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यही सेम क्वाड्रेटिक, तो उसको एक्सपांड करके जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक था एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, मैं वो भी लिख सकता हूँ, राइट, यस, और प्लस सी लिखना ना भूलें, क्योंकि इंटीग्रेशन में फाइनली हम वो ही लिखते हैं, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, हाफ ऊपर जाके टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइव रूट टी मतलब फाइव रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन रीसब्स्टिट्यूट कर दिया है हमने, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रीसब्स्टिट्यूटिंग एंड सिंप्लीफाइंग, माइनस सेवन टाइम्स एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, राइट, मॉड क्लोज प्लस सी इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यस बच्चों, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ये एल्गोरिदम फॉलो करे, लीनियर जो न्यूमरेटर में टर्म है उसको लिखे एज ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर प्लस बी, राइट, एक बार ए और बी के वैल्यूज आ गए तो न्यूमरेटर में 5x प्लस 3 के जगह पे आप यही चीज लिखिए विद द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और फिर सिंप्लीफाई कीजिए, जो दो टर्म्स आपके बनेंगे दोनों अलग तरीके से इंटीग्रेट होंगे, पहला वाला जो चीज है यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक को टी सब्स्टिट्यूट करना है ताकि ये डी टी बन जाए, और ये जो है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो दूसरा टर्म है यहाँ पे दिस इज वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और वो सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज द टेक्निक जो हमने यहाँ पे किया, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया टू गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन सेक्शन बी, राइट बच्चों। तो यहाँ पे और एक और पार्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर सेवेंथ क्वेश्चन, तो इसको भी देखते हैं, तीन मार्क का ये सवाल है, राइट, सो ये और पार्ट देखने के लिए अगर चॉइस है आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में, तब आप आइडियली यही वाला क्वेश्चन करोगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तो जो आपको पता है मोटा मोटी कि किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको टाइम दोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी क्रैक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस के थोड़े से फ्लेवर्स हैं, राइट, तो स्टार्ट कुछ इस तरीके से करना है, पुट log x इक्वल टू t, तो log x वाला जो टर्म है जो कई बार दिख रहा है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो इंटीग्रेट हो रहा है, तो उसको हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं उसका क्या फायदा होता है। तो जब हम log x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रादर डिफरेंशिएट करने से पहले हमें ये बेस प्रॉपर्टी यूज करना है, और हमें ये लिखना है दैट x इज इक्वल टू e रेस टू t। अब ये करने के कई फायदे हैं, ये करने से
अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन इज इक्वल टू ई रेस टू टी डी टी बाई डी एक्स, जिससे कि डी एक्स जो है वो बन जाएगा ई रेस टू टी डी टी। अब आते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स के जगह पे हमने तय कर लिया कि अब डी एक्स के जगह पे आएगा ई रेस टू टी डी टी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ई रेस टू डी टी पहले लिख लेते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स, एक्स क्या है ई रेस टू टी है, तो उसको ई रेस टू टी लिख लेते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में एक्स को ई रेस टू टी लिख लेते हैं। फिर लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या है टी है, तो उसको यहाँ टी लिख लेते हैं। फिर टू प्लस लॉग एक्स क्या है टू प्लस टी, उसको यहाँ लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे बच्चों कि ये करने से ये ई रेस टू टी और ई रेस टू टी कैंसिल हो जा रहा है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी टाइम्स टू प्लस टी। और अब ये सवाल बच्चों एक बहुत आसान सवाल बन गया, क्योंकि ये एक पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल बन चुका है अभी, राइट। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप जेनरिक मेथड यूज कर सकते हो, ए अपॉन, इस पूरे फ्रैक्शन को आप लिख सकते हो ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस टू, और फिर सिंप्लीफाई करके ए और बी के वैल्यूज ला सकते हो, राइट। या तो फिर आप स्मार्टली ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि टी और टू प्लस टी इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों एक्सप्रेशंस में टू का अंतर है, राइट। और अगर टू का अंतर है तो हम इस चीज को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन टी टाइम्स टी प्लस टू, ठीक है। टू हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब हम ये करेंगे तब हम जाके टी प्लस टू माइनस टी लिख सकते हैं, ये टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा, पर ये करने से सिंप्लीफाई काफी हो जाएगा क्वेश्चन, और बहुत इजीली हम क्वेश्चन आंसर ला सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको टी प्लस टू माइनस टी ऐसे दो अलग टर्म्स करके मानेंगे, जो ओरिजिनली टू ही है, क्योंकि टी टी कैंसिल होके ये टू दे रहा है और ये टू टू कैंसिल होके आपको ओरिजिनल टर्म दे रहा है, ठीक है। तो हमने मैनिपुलेशन किए हैं बट चेंज नहीं किया है ओरिजिनल एक्सप्रेशन को। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम स्प्लिट करेंगे टी प्लस टू अपॉन टी इंटू टी प्लस टू, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, राइट, हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ टी प्लस टू अपॉन टी इंटू टी प्लस टू, राइट, माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ टी अपॉन टी इंटू टी प्लस टू, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे डी टी है तो डी टी लिखना ना भूले। अब यहाँ पे बहुत इजीली हम चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये टी प्लस टू कैंसिल हो गया, टी टी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें इंटीग्रेट करना है सुपर इजी, हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी इज लॉग टी, ठीक है, और यहाँ माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस टू इज लॉग टी प्लस टू, ठीक है, प्लस सी। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाफ कॉमन लेके वी कैन राइट लॉग ऑफ टी अपॉन टी प्लस टू प्लस सी। और अब बारी आती है रीसब्स्टिट्यूशन की, रीसब्स्टिट्यूटिंग टी एज इक्वल टू, अब देखेंगे टी को हमने क्या पुट किया था, रादर लॉग एक्स को हमने टी पुट किया था, तो टी जो है वो लॉग एक्स है, तो हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं अभी दैट देयरफॉर आई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स log of log x upon log x plus 2, ठीक है, plus c। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, बट जैसा मैंने कहा क्योंकि और है तो आइडियली आप ये वाला स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है विद दिस थॉट प्रोसेस तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तो आई होप आपने कुछ सीखा इस सवाल से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं सेक्शन सी। पहला सवाल सेक्शन सी का ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, 8th क्वेश्चन ऑफ पार्ट टेस्ट 1, जहां हमें पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज द होल अपॉन एक्स रेस टू 4 डी एक्स। सो ये एक ऐसा सवाल है जो देख के ऐसा लगता है कि काश इस क्वेश्चन में चॉइस होता, और बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में चॉइस है। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 8 देयर इज अ चॉइस, और या तो आप ये इंटीग्रेट कर सकते हो रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, राइट। तो दोनों ही क्वेश्चंस में डिपेंडिंग ऑन आपने वो क्वेश्चन देखा है यानी आप सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों सवालों को हम एनालाइज करेंगे, दोनों सवालों के सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो अभी शुरू करते हैं इस सवाल से, जहां पे हमें पूछा गया है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स रेस टू 4। सबसे पहली चीज, लॉग के दो टर्म्स है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम लॉग प्रॉपर्टीज को यूज करके इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर जो लॉग टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। सो एज वी स्टार्ट एवरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम लेट दिस इज इक्वल टू आई, राइट।
देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बाहर जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो वैसे का वैसा रहेगा बच्चों, राइट right? वहां पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हम ग्रेजुअली देखेंगे, बट पहले लेट्स डील विद दिस लॉग थिंग, राइट। पहले तो हम पावर रूल लगा के, पहले तो पावर रूल लगा के इस 2 को यहाँ पावर में ले सकते हैं, एंड वी कैन मेक दिस 2 लॉग एक्स एज लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा, राइट। उसके बाद हम ये यूज प्रॉपर्टी कर सकते हैं दैट लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, और इस वजह से ये ब्रैकेट के अंदर की चीज जो है वो बन जाएगी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वो चीज बन जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, बाहर dx होगा एंड द होल डिवाइडेड बाय x रेस टू 4। अब वो x रेस टू 4 काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज प्रूव होने वाली है, राइट। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं यूजिंग लॉग प्रॉपर्टीज या m टाइम्स लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग a रेस टू m, जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है 2 log x as log x square, right? And we have also used the property that log a minus log b is equal to log of a upon b, right? ये चीज भी हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे log of a minus log of b is going to be log a upon b, so log x square plus 1 upon x square. पहले तो ये x square हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें carefully ये चीज notice करनी है बच्चों कि जो log के अंदर टर्म आया हुआ है, क्या हम उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं दिए गए क्वेश्चन में क्या हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो log के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो वी हैव अ टर्म 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका फायदा ये है बच्चों कि हमें और थोड़े से ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो क्या इसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेट्स से एस टी। और हमेशा जब भी हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम हमेशा उस सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशिएशन को देखते हैं। तो हाइपोथेटिकली अगर मान लो हमें ये चीज करनी है सब्स्टिट्यूट, राइट, अगर मान लो हमें ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी है तो एक बार देख लेते हैं लिख के, राइट। मान लीजिए आप रफ रफ में भी लिख के देख सकते हो, ठीक है, रफ में भी लिख के देख सकते हो। लेट्स से हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, राइट, 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एज सम न्यू वेरिएबल लेट्स से t, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव x रेस टू माइनस 2 का डेरिवेटिव, तो माइनस 2 अपॉन x क्यूब का डेरिवेटिव इज इक्वल टू dt by dx, राइट। इसका मतलब ये है कि dx अपॉन x क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx अपॉन x क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन 2। ध्यान से इस चीज को देखिए, dx अपॉन x क्यूब इज dt अपॉन माइनस 2, तो माइनस dt अपॉन 2। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पे जो dx है और ये जो x रेस टू 4 है उसको अब हम x क्यूब इंटू x की तरह तोड़ सकते हैं, राइट। इसका बहुत मासिव एडवांटेज होने वाला है अगले स्टेप में, हम ध्यान से देखेंगे बच्चों इस चीज को। अब ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ले चुका है, राइट। सो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है और ये सब्स्टिट्यूट करने के वजह से हमें ये रिजल्ट मिला दैट dx अपॉन x क्यूब इज नथिंग बट माइनस dt अपॉन 2, और हम 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को एज t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये बाकी की दोनों जो चीजें हैं उन पे अभी हमें काम करना है, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, राइट। अब ये जो दो टर्म्स बचे हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, उनका क्या करना है, उनको भी क्लब करने की कोशिश करते हैं। x को क्या हम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, सोच के देखिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज x, तो क्या हम x को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर हाँ तो अब हम इन दोनों रूट्स को जो है कंबाइन कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन राइट देम एज, वी कैन राइट दोस टू टर्म्स एज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने दोनों एंटिटीज एक्सप्रेशन को जो है कंबाइन कर दिया, रूट्स को कंबाइन कर दिया, और उसके बाद हमें जो टर्म मिला रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सेम टर्म हमें शुरुआत में मिला था लॉग के अंदर, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और जिसको हमने टी सब्स्टिट्यूट किया है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, तो ये सही स्टेप है। अब इसके बाद ये चीज लिख देते हैं लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, Yes, क्योंकि फाइनल सब्स्टिट्यूशन हम इसके अगले स्टेप में करेंगे, राइट। अपॉन एक्स, ये तो हमने काम कर लिया इसके साथ, राइट, डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है।
dx अपॉन x क्यूब, राइट। सो ये होने के बाद अब जो है हमें सारे सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, राइट। देयरफॉर i इज इक्वल टू, बट बिफोर दैट यस, हमें ये चीज सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मेट में लिखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, राइट, इनटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx अपॉन x क्यूब, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को हमें अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन ऑन द लास्ट पेज। यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट किया है बच्चों हमने, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट t इंटू लॉग ऑफ t, क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर t है, राइट। और dx अपॉन x क्यूब जो है बच्चों हमें आया था माइनस dt बाई 2, तो वो माइनस हाफ जो है dt बाई 2 का, उसको हम बाहर लिखते हैं और यहाँ पे dt लिखेंगे। और इस स्टेज पे हमें पता चलता है बच्चों कि अब हमारे पास दो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाइड हैं और हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम इस स्टेज पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, राइट। सो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट, यस, आइलेट रूल लगेगा यहाँ पे बच्चों, क्या, by using integration by parts, yes, यहाँ पे algebraic function और logarithmic function है, तो Eilert rule लगाने के बाद ये first function हो जाएगा और ये second function हो जाएगा, right? और हम जानते हैं बच्चों integration by parts में किस तरीके से integrate होता है, so therefore i is equal to minus half बाहर रहेगा, तो उसको बड़े bracket के अंदर लिख रहा हूँ मैं, right? So अंदर क्या आएगा बच्चों, first function which is log t into integration of the second function, मतलब root t, t raised to half का integration, t raised to 3 by 2 upon 3 by 2, right, minus a bigger integral जिसके अंदर है derivative of the first function, log t का derivative 1 upon t into integration of the second function जो हम already यहाँ पे ढूंढ चुके हैं, t raised to 3 by 2 upon 3 by 2, right, dt। तो अब इसके आगे हमें इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करना है ये एक्सप्रेशन, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस हाफ जो बाहर है वैसे का वैसा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे बच्चों 2 अपॉन 3 आएगा, 2 अपॉन 3 लॉग टी इंटू टी रेस टू 3 बाई 2, राइट, 2 अपॉन 3 लॉग टी इंटू टी रेस टू 3 बाई 2, ठीक है, यस, माइनस ऑफ अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये तो 2 अपॉन 3 है तो उसको बाहर लिख देते हैं एस 2 अपॉन 3 एस सच, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू हाफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू हाफ डी टी, राइट, ध्यान से देखिए टी रेस टू 3 बाई 2 अपॉन टी, राइट, टी इंटू टी रेस टू हाफ, टी टी कैंसिल, टी रेस टू हाफ बचेगा, राइट, ये 3 अपॉन 2 को हमने बाहर एडजस्ट कर दिया, अब इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। So therefore i is equal to बच्चों अब expand भी कर लेते हैं, minus half into 2 by 3, 2 cancel, minus 1 by 3 log t into t raised to 3 by 2, right, अब इसको और इसको भी multiply कर लेते हैं, minus minus plus हो जाएगा, 2 cancel हो जाएगा, plus 1 by 3 into integration of t raised to half, तो t raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c, integration constant लिखना ना भूले, right, so therefore i is equal to, याद रखिए अभी रीसब्स्टिट्यूट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो टी क्या था, टी को हमने प्लग इन किया था एज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, आप उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम पहले तो ये वाला टर्म देखते हैं क्या आएगा, 2 अपॉन 9 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये 3 इंटू 3 नीचे 9 हो जाएगा, 2 अपॉन 9, राइट, सो 2 अपॉन 9 इंटू, राइट, हम जो है यहाँ पे t raise to 3 by 2 दोनों टर्म्स में देख भी रहे हैं, तो उसको कॉमन भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू, सो t raise to 3 by 2 is 1 plus 1 upon x square, जो कि t की वैल्यू है, the whole raise to 3 by 2, इस चीज को हम कॉमन ले सकते हैं, राइट, इस चीज को कॉमन लेके बाहर जा सकते हैं, और फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट, जिसके अंदर क्या आएगा, यस, ये टर्म हमने कॉमन ले लिया बाहर, ये 2 by 9 था, तो यहाँ पे 2 by 9 आएगा, 2 by 9 into t raise to 3 by 2 पहला टर्म, माइनस यहाँ पे टी रेस टू 3 बाई 2 कॉमन चला गया है बाहर, तो बस माइनस लॉग टी अपॉन 3, सो माइनस लॉग ऑफ टी विच इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चों, प्लस सी लिखना ना भूलें, राइट,
यस सो आई होप एवरीवन इज क्लियर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इंटरेस्टिंग सवाल है, देखने में थोड़ा सा यू नो रिपेलिंग है, देखने में थोड़ा सा डरावना है, इंटिमिडेटिंग है, बट बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप इस लॉग को तोड़ोगे तो आपको सिंप्लीफाइड टर्म दिखेगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो सिंप्लीफाई होकर वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर देता है। और वहां से आपको वो ऊर्जा आनी चाहिए, वो थॉट आना चाहिए, वो आइडिया आना चाहिए कि बॉस अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगा तो वन का डेरिवेटिव तो जीरो है, तो वन बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रिलेटिवली सिंपल होगा। जो निकालने के बाद हमने देखा कि यार डीएक्स बाय एक्स क्यूब जो है माइनस डी टी बाई टू है, तो क्यों ना इस एक्स रेस टू फोर को एज एक्स क्यूब इंटू एक्स तोड़े सो दैट डीएक्स अपॉन एक्स क्यूब जो है मिलकर आपको माइनस डी टी बाई टू दे, राइट। तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। अब आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, जो ही एट्थ क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है और पार्ट है। तो जहां हमें इंटीग्रेट करना है रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, राइट बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए हमारे पास कुछ इस टाइप के फॉर्मूलाज हैं, है ना, वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इज कि चलो ए स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट है, ए क्यूब तो चलो कांस्टेंट है, बट ये एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यूब नहीं। तो क्या हम किसी तरीके से उस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर की तरह या टी स्क्वायर की तरह बना सकते हैं, ये सोच होनी चाहिए। और वो सोच के लिए हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस आइडिया के साथ, लेट दिस बी इक्वल टू आई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। शुरू के लिए हम न्यूमरेटर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको ध्यान से देखेंगे, राइट। एक क्यूब है उसको भी हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर चाहिए तो, ए रेस टू थ्री बाई टू द होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए, यस, क्योंकि टू टू कैंसिल, ए क्यूब ही आएगा जो ओरिजिनल टर्म है आपका। और इसी तरीके से हमें x के लिए भी करना है, x रेस टू 3 बाई 2 द होल स्क्वायर, 2 टू कैंसिल x क्यूब देगा। बट इसका फायदा ये है कि नाउ वी हैव समथिंग स्क्वायर। और इस स्टेज पे हमें आइडिया आना चाहिए कि अब यहाँ पे बॉस t आना चाहिए, x रेस टू 3 बाई 2 नहीं, t आना चाहिए, सो दैट t स्क्वायर बनेगा, राइट। तो एक बार कोशिश करके देखते हैं आप, जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी कहा कि यहाँ पे आप रफ में भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं, एक या दो लाइंस होंगी, सब्स्टिट्यूट x रेस टू 3 बाई 2 इज इक्वल टू t, राइट। वंस यू डू दैट, एक बार आप वो चीज करते हो बच्चा, तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सो 3 बाई 2 x रेस टू हाफ, 3 बाई 2 इंटू x रेस टू हाफ इज इक्वल टू dt बाई dx, सो यहाँ पे dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, या तो आप पहले इक्वल टू dt बाई dx लिख लीजिए, राइट, विच गिव्स यू। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रूट एक्स डी एक्स है, तो एक्स रेस टू हाफ डी एक्स है, तो हमें बस डी एक्स को इसके साथ मिलाना है, ये थ्री टू को उस तरफ ले जाना है, राइट। सो वी हैव रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री डी टी, टू बाई थ्री डी टी। तो ये काफी बढ़िया सा, सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, क्योंकि और पार्ट है तो काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, जस्ट शुरुआत की थॉट प्रोसेस थोड़ी अलग है, राइट, बट सब्स्टिट्यूशन की पैरामीटर है दोनों ही जगह पे। तो अब देखते हैं आई कैसे कन्वर्ट होता है, therefore i is equal to numerator में जो root x dx है बच्चा, numerator में जो root x dx है वो तो अब convert हो चुका as 2 by 3 dt, तो 2 by 3 हम constant की तरह बाहर ले सकते हैं, dt बचेगा, upon नीचे जो है वो है root of a raised to 3 by 2 the whole square, right, minus अब x raised to 3 by 2 के जगह हम t लिख सकते हैं, है ना, अब हम t लिख सकते हैं, तो t square। अब आपको ये दिखेगा कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और जब आपने वो नोटिस कर लिया तब आपको पता चल गया कि अब हम जो है फाइनली डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। सो हम लिखेंगे नाउ, सिंस प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, ओरिजिनल फॉर्मूला डीएक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। आई होप सबको फॉर्मूला याद है, डीएक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का आंसर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, yes, one of the simplest formulas of the list of 6 plus c, right? Therefore, i is equal to, यहाँ पे इस केस में जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो i will be equal to, बाहर 2 by 3 miss out मत कीजिएगा, बाहर 2 by 3 रहेगा, integration of this 1 upon root of a square minus x square is going to be sine inverse of x upon a, तो sine inverse of यहाँ पे t upon a raised to 3 by 2 आएगा, t upon a raised to 3 by 2, right, plus c। अब after resubstituting, राइट, आफ्टर रीसब्स्टिट्यूटिंग आई इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, क्योंकि टी की वैल्यू एक्स रेस टू 3 बाई 2 है, 2 अपॉन 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 3 बाई 2 अपॉन ए रेस टू 3 बाई 2
प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। रिलेटिवली इजी सवाल, रिलेटिवली इजी सवाल, बस आपको करेक्ट जो से है सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फिगर आउट करना था, वो होते से ही ये रिलेटिवली इजी सवाल है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। इनफैक्ट ये थोड़ा सा कम स्टेप्स वाला सवाल है, बट इधर वेज आई होप आपको दोनों ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पता चल चुका होगा। अब चलिए बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो एरिया प्रॉब्लम है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द वाई एक्सिस, द लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, राइट। तो जैसे हमेशा होता है बच्चों इन एवरी एरिया प्रॉब्लम डायग्राम इज द की। डायग्राम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है किसी भी एरिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो शुरू करते हैं डायग्राम से, राइट। लेट स्टार्ट विद द डायग्राम। तो सबसे पहले हम आपका जो है वाई एक्सिस निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं, राइट। अब जो है हम देखते हैं एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय द वाई एक्सिस, द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। तो चलिए लाइन वाई इक्वल टू एक्स भी निकाल लेते हैं, ये रहा आपका लाइन वाई इक्वल टू एक्स, राइट राइट। सो उसको लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स। अब उसके बाद है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एक सर्कल है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। अब स्टैंडर्ड सर्कल का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है एक्स माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि एच और के जीरो और जीरो है, इसका मतलब सेंटर सेंटर जो एच कॉमा के होता है वो इस केस में सेंटर जीरो कॉमा जीरो है, राइट। सो जीरो कॉमा जीरो सेंटर है, उस हिसाब से हमने सर्कल बनाया हुआ है, और आर स्क्वायर 32 है। तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है रूट 32। अब 32 को हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, रूट 16 तो 4 है, तो 4 रूट 2 आपका रेडियस होगा। तो ये पॉइंट जो है 4 रूट 2 कॉमा 0 है रेडियस, और ये पॉइंट 0 कॉमा 4 रूट 2 होगा, राइट। अब बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी डायग्राम्स के मतलब शेप्स के रिस्पेक्ट में दी गई है हमें प्रॉब्लम में, हमने वो ड्रॉ कर लिया। अब ये देखते हैं कि पूछा क्या गया है, कौन सा एरिया पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the y-axis, the line y equal to x and x square plus y square equal to 32, right? तो circle, ये line और y-axis, इन तीनों के बीच में अगर हम नोटिस करें तो क्या शेडेड रीजन है, वो ये शेडेड रीजन है, ठीक है, वो ये शेडेड रीजन है बच्चों, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि ये शेडेड रीजन को हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करके जो है शेड करेंगे या आंसर निकालेंगे, या तो वर्टिकल स्ट्रिप को यूज करके आंसर निकालेंगे। अगर आप सोचेंगे तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, राइट। बट बेटर ये रहेगा कि हम वर्टिकल स्ट्रिप से करें, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप को यूज करके करें, राइट। यस, वर्टिकल स्ट्रिप को यूज करके करेंगे तो ये जो बेस है आपका रेक्टेंगल का वो dx हो जाएगा, राइट। और आपको वाई अपर वाई माइनस लोअर वाई, अपर वाई वैल्यू माइनस लोअर वाई वैल्यू, अपर फंक्शन विच इज द सर्कल माइनस द लोअर फंक्शन विच इज द स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एक्स, उसको लेना है इंटीग्रेट करने के लिए, एरिया ढूंढने के लिए, ठीक है। सो वो विद दैट थॉट प्रोसेस इन माइंड लेट स्टार्ट। एरिया इज इक्वल टू राइट। अब हमें इंटीग्रेट करना है बिटवीन टू वर्टिकल लाइन्स, तो वो हमें देखना है कि यार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जहां से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यस, जहां से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग लाइन क्या है और उसका एंडिंग क्या है, ठीक है। उसका स्टार्टिंग अगर आप नोटिस करोगे बच्चों तो इट्स नथिंग बट दी वाई एक्सिस, तो हम वाई एक्सिस पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। वाई एक्सिस पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, यस। तो और हम एंड यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, एंड हम यहां पे कर रहे हैं, यस। स्टार्ट हम यहां पे कर रहे हैं और एंड हम यहां पे कर रहे हैं, तो उनके इक्वेशंस लिख लेते हैं लाइन के। ये है x इक्वल टू जीरो, राइट, y एक्सिस इज x इक्वल टू जीरो, और ये पॉइंट क्या है। अब उसके लिए हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे बच्चों, हम लोग सर्कल
और लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, y इक्वल टू x और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32, राइट। तो हम वो चीज यहाँ पे शुरू में लिखेंगे, सॉल्विंग y इक्वल टू x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32। यस, दोनों को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा बच्चों, सर्कल के इक्वेशन में y की वैल्यू हम x डाल देंगे, सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 32, देयरफॉर 2x स्क्वायर इज 32, राइट। Therefore, x square is 32 upon 2, which is 16, and therefore x is equal to plus minus 4. इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 4 है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें कर रहे हैं, और क्योंकि ये y इक्वल टू x पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट भी 4 है। तो पते की बात ये जो हमें यहाँ पता चली कि यार ये लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 4, क्योंकि ये पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। तो अब जो एरिया हमें ढूंढना है, जो एरिया हमें ढूंढना है वो क्या आएगा, एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, राइट, ये दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे लोअर लिमिट आपका 0 होगा, अपर लिमिट आपका 4 होगा, राइट। और यहाँ पे जो आप वर्टिकल स्ट्रिप देख रहे हो उसमें अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन का वाई वैल्यू, सर्कल का वाई वैल्यू विच इज नथिंग बट, सर्कल का वाई वैल्यू विच इज नथिंग बट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस लेंगे 32 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों बच्चों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। सो यहाँ पे y आएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर आएगा, सो y आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्लस लिया है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये अपर कर्व हो गया, आपका लोअर कर्व जो है बच्चों स्ट्रेट लाइन है, तो माइनस द लोअर कर्व विच इज एक्स, तो दिस इज वॉट वी गॉट टू इंटीग्रेट। तो यहाँ अभी दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम शुरू हो गया, एरिया के चीज को हमने डिकोड कर लिया है कि शेडेड रीजन क्या है, और उसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख लिया है बच्चों। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं, फाइंडिंग द एरिया ऑफ दैट शेडेड रीजन इन क्वेश्चन नंबर 9 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 32 को ए स्क्वायर की तरह ट्रीट करना है, तो उसको हम 4 रूट 2 की तरह ट्रीट करेंगे, राइट, क्योंकि रूट 32 इज 4 रूट 2, राइट, रूट 32 इज 4 रूट 2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, रूट 32 ए की वैल्यू है, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 32 है, राइट। तो ए रूट 32 है विच इज 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 द होल स्क्वायर इज वॉट 32 इज, 4 स्क्वायर इज 16, रूट 2 स्क्वायर इज 2, 16 2 इज 32, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पहली चीज अलग से इंटीग्रेट करेंगे हम, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये भी जीरो से फोर इंटीग्रेट होगा, राइट। अब सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं बच्चों, पहले इंटीग्रेशन का एरिया क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, तो वो लिख लेते हैं, फॉर्मूला बेटर रहेगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, राइट, एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। अब ये कैसे याद रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए है, राइट, और ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, तीन फॉर्मुलेज हैं बच्चों इस टाइप के, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों में सेम फॉर्मेट है, तीनों में एक्स बाय टू आता है, और एक्स बाय टू के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाइड होता है वो यही फंक्शन होता है जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो एक्स बाय टू इंटू द ओरिजिनल फंक्शन, दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द फॉर्मेट, एक्स बाय टू इंटू द ओरिजिनल फंक्शन, राइट, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय टू आता है, ए स्क्वायर बाय टू आता है हमेशा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो जो बाकी के दो फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन भी आप जानते हो, तो वन अपॉन दैट उसके फंक्शन इंटीग्रेशन आप जानते हो, तो ए स्क्वायर बाई टू के साथ वो लगा दो, और जहां पे भी ए स्क्वायर पॉजिटिव है, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर पॉजिटिव है, वहां पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए वाले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले इंटीग्रेशन में माइनस ए स्क्वायर बाई टू आएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग, नाउ सिंस वी नो द फॉर्मूला, therefore area is equal to, अब वो यहाँ पे वो formula हम apply करेंगे बच्चों, तो x by 2 आएगा, x by 2 into root of 32 minus x square, original function वैसा ही लिखेंगे हम, right, plus a square by 2, so a square is 32, right, 32 by 2 is 16, sine inverse of x by a, sine inverse of x upon 4 root 2, ठीक है। तो ये आपका formula आ गया, जहाँ पे हम limits लगाएंगे 0 से 4, और ये वाली जो चीज है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, उसको भूलना नहीं है, राइट,
जीरो से फोर। अब इसका इसका सिंप्लीफिकेशन एप्लीकेशन हम करेंगे आगे। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू राइट, यहाँ पे फोर डालेंगे पहले तो फोर स्क्वायर जो है वो 16 आएगा, 32 माइनस 16 इज 16, रूट 16 इज 4, सो 4 अपॉन 2 इंटू 4, सो 2 इंटू 4 8 आएगा पहला टर्म यहाँ पे, बहुत बढ़िया 8 आया है पहला टर्म, प्लस 4 अपॉन 4 रूट 2, 4 4 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2 इज साइन 45, सो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इज 45, रेडियंस में इट्स पाई बाय 4, तो 16 पाई बाय 4 इज 4 पाई, सो 8 प्लस 4 पाई, ये आपका अपर लिमिट आया बच्चों, ये आपका अपर लिमिट आया है माइनस द लोअर लिमिट जीरो प्लग करने के बाद। जीरो प्लग करने के बाद ये चीज तो ऐसे ही जीरो हो जाएगी, जीरो अपॉन टू, और जीरो प्लग करने के बाद ये चीज भी जीरो हो जाएगी, तो लोअर लिमिट में एक्चुअली कुछ है नहीं राइट और फाइनली यहाँ पे माइनस ऑफ अपर लिमिट डालेंगे, फोर स्क्वायर इज 16 अपॉन टू 8, तो माइनस ऑफ अपर लिमिट इज 8 एंड लोअर लिमिट इज 0 स्क्वायर बाय 2 विच इज 0, so that is it and therefore the final area is, therefore the final area is 8 plus 4 pi minus 8 which is going to be equal to 4 pi square units, ठीक है, yes 4 pi square units। confirm करने के लिए आप ये चीज भी सोच सकते हो कि यार ये जो सर्कल है उसका एरिया क्या है, सर्कल का एरिया होता है pi r square right, और r square की वैल्यू 32 है, ठीक है, तो 32 pi इस पूरे सर्कल का एरिया हो गया, पूरे सर्कल का एरिया हो गया। जस्ट टू कंफर्म, क्या हमें ये दिख रहा है कि ये 1/8, अगर मान लो इस पिज्जा को मैं 8 हिस्सों में बांटूंगा तो ये एक हिस्सा है, ध्यान से सोच के देखिए, और अगर एक हिस्सा है 8 हिस्सों में से तो डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए 32 अपॉन 8 इज 4, तो 4 पाई आंसर आ जाना चाहिए जो आंसर है। आप डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकते हो एग्जाम में, पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा, बट जस्ट फॉर कंफर्मेशन आप ये देख पा रहे हो कि आंसर अपना सही है और ओरिजिनल डायग्राम के हिसाब से परफेक्टली फिट बैठता है। तो यस बच्चों, आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा और आपने देखा होगा कि डायग्राम का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, जो आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, तीसरा क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, 4 मार्क का सवाल, जहां डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, जहां हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 राइट। तो ये वो टाइप का प्रॉब्लम है बच्चों जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इज सेम एज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कीपिंग द लिमिट सेम। तो शुरू करते हैं लाइक एवरी अदर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, लेट दिस इक्वल टू आई, सो यूजिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए से बी या is equal to integration from a से b, limits change नहीं हो रहे, बस x के जगह पे, बस x के जगह पे जो है आप a plus b minus x लिखोगे, x के जगह पे a plus b minus x लिखोगे, lower limit plus upper limit और upper limit plus lower limit minus x, तो ये चीज आएगा। therefore from here we can say therefore I is equal to जो original integration है, limits नहीं change होते, ठीक है, बस x के जगह पे, बस x के जगह पे आप लिखोगे, बस x के जगह पे आप लिखोगे a प्लस बी माने पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, 30 प्लस 60 माइनस एक्स, इसका मतलब इट्स 90 माइनस एक्स, सो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, वहां से इस प्रॉब्लम के दरवाजे खुल चुके हैं और आपको दिखाई देगा कि यस अब यहां से सिंप्लीफिकेशन शुरू हो सकता है। शुरुआत में तो यस ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, यस dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ कॉट ऑफ 90 माइनस एक्स राइट, cot ऑफ 90 माइनस एक्स विच इज नथिंग बट tan x, विच इज नथिंग बट tan x, तो इसको हम यहाँ पे सीधी तरीके से cot 90 माइनस एक्स को tan x लिख सकते हैं राइट। अब tan x को क्या हम फिर से 1 अपॉन cot x लिख सकते हैं, क्या हम tan x को फिर से 1 अपॉन cot x लिख सकते हैं, जी हाँ, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू, लिमिट्स विल रिमेन द सेम, नो हार्म इन द लिमिट्स, यहाँ पे tan x को 1 अपॉन cot x करना है, तो dx अपॉन 1 प्लस tan x की जगह 1 अपॉन cot x, तो रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ cot x, 1 अपॉन रूट cot x, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3, ये रूट cot x LCM लेने के बाद ऊपर जाएगा, रूट cot x अपॉन 1 प्लस रूट cot x dx, तो ये जो हमें मिला है बच्चों सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं कि I इज इक्वल टू दिस, अब I इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। अब हम नोटिस करेंगे बच्चों कि इन दोनों इक्वेशंस में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, एब्सोल्युटली सेम है, कोई हैम्पर नहीं हुआ है प्रॉपर्टी यूज करने के बाद,
और दोनों केस में डिनोमिनेटर भी सेम है, दोनों केसेस में डिनोमिनेटर भी सेम है। इसका मतलब हम इस एडवांटेज को यूज कर सकते हैं, और जो इस प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स में जनरली होता है राइट, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो बाय एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, बाय एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, देयरफॉर आई प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड पे हमें आएगा, आई प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड में हमें आएगा आई प्लस आई राइट इज इक्वल टू, आई प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री। यस, पहला वाला आई जो है वहां पे सिर्फ डीएक्स अपॉन वन प्लस रूट कॉट एक्स है, और दूसरा वाला जो है वहां पे डीएक्स अपॉन रूट डीएक्स अपॉन रादर रूट कॉट डीएक्स रूट कॉट एक्स डीएक्स अपॉन वन प्लस रूट कॉट एक्स है। ठीक है, तो अब हम फाइनली क्या इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, लेफ्ट में टू आए और राइट में लिमिट्स तो सेम है, तो वी कैन क्लब दीज टू फंक्शंस, डीएक्स को बाहर रख सकते हैं, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है वन प्लस रूट कॉट एक्स, ठीक है, न्यूमरेटर्स को भी ऐड कर सकते हैं वन प्लस रूट कॉट एक्स, एंड यस इस स्टेज पे हमें दिखाई देगा कि भाई ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हमें जो निकालना है, जो इक्वेशन हमारे पास है रादर, वो है टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नथिंग डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट वन डीएक्स राइट, इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स, लिमिट जो है वो पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री है, सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन इज सिंपली एक्स पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, एलसीएम लगाएंगे इंटू टू इंटू टू, टू पाई माइनस पाई इज पाई, पाई अपॉन सिक्स बचेगा, एंड हेंस द फाइनल आंसर द वैल्यू ऑफ आई जो हमें प्रॉब्लम में पूछा गया है वो बन जाएगा पाई अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, यस, ये टू नीचे लेके आएंगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी फोर मार्क का सवाल, डिसेंट इनफ मेहनत, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं राइट। सो आई होप बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है पार्ट टेस्ट वन, इससे आपको काफी फायदा हुआ होगा, काफी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे लेवल अप होता है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी में वो आपको पता चला होगा, किस तरीके से आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है इससे भी आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिली होगी। सो कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट टेस्ट टू में। थैंक यू।